पाकिस्तान लास्ट मैच 4 नवंबर 2023 को जीती थी, उसके बाद जितने इंटरनेशनल मैच खेले हैं ये सारे के सारे हारे हैं। यार बंदा कहे कि थोड़ी सी तो लिहाज कर लो, थोड़ी सी तो शर्म कर लो, कि कर तो कर क्या रहे हो। बॉलिंग गंदी, फील्डिंग गंदी, बैटिंग उससे भी ज्यादा गंदी। पाकिस्तान की टीम सिर्फ और सिर्फ 170 और 180 के करीब जो T20 के अंदर रन होते हैं ये चेस कर सकती है। पाकिस्तान की टीम 190 प्लस ही चेस कर सकती। पहले मैं कहता था 200 से भी चेस कर सकती, 200 से पहले वाला चेस कर लेगी। पिछले मैच में तो इनसे 195 भी नहीं चेस हुआ और आज दोबारा से इनको 224 पड़ गया। ये मुझे हारिस रऊफ की विकेट का पता ही नहीं करना, लोगों को बताना है तो बता दें, मुझे ना बताएं। मैं हारिस रऊफ की विकेट जान के क्या करूं, मैं हारिस रऊफ को नहीं जानता। चार ओवरों में 60 रन का मुझे पता नहीं है। नहीं नहीं सही कह रहे हैं आप, मैं तो लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि हारिस रऊफ बहुत बड़ा तोप, बहुत बड़ा पता नहीं क्या दुनिया का प्लेयर उसको हमने बनाया हुआ है। हर बार हम देखते हैं कि हारिस रऊफ इमामुल हक। इधर टेप बॉल क्रिकेट होती है काफी ज्यादा, इन्हें चाहिए वो टूर्नामेंट्स खेला करें, PSL में कोई टीम इन्हें ले लेती है वो खेल लिया करें, या आप इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। ऐसा है कि जी अटेंडेंस लगवाने नहीं आते, आप यूनिवर्सिटी जाते इसी वजह से हैं कि यार अटेंडेंस लगा दो बस, उसके बाद मैं क्लास में किसी कोने में बैठ के जो है ना वो सो जाऊं। ये लिटरली वो वाला हाल हुआ है। मेरा ख्याल से जो फाइन हफीज ने रखा था ना कि प्रैक्टिस करते हुए कोई सोता हुआ ना देखे, वो फाइन अब वो चेंज कर दे कि मैच खेलते हुए कोई सोता हुआ ना देखे। मतलब जिस तरह की इस वक्त परफॉर्मेंस हो रही है, जिस तरह डेड परफॉर्मेंस हो रही है, दिस लाइक नथिंग, दिस नॉट अ सिंगल स्पार्क, कोई एक बीच में ऐसा मोमेंट नहीं आया जिसपे आपने कहा गुड पाकिस्तान इज इन द गेम नाउ। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 45 रन से तीसरे T20 मैच में हरा दिया और तीसरा T20 मैच जीतने के बाद न्यूजीलैंड ने 3-0 से इस सीरीज के ऊपर कब्जा भी कर लिया है। वहीं पर फिन एलन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर 137 रन बनाए और न्यूजीलैंड का स्कोर 224 के पार पहुंचा दिया। वहीं पर जब पाकिस्तान सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने को आई तो वही हुआ जो कि पहले दो मैचेस में हो रहा था। उनके ओपनर सस्ते पे निपट गए, जहां पर साइम अयूब के ऊपर पूरे पाकिस्तान को उम्मीद थी और उनको मिनी क्रिस गेल का नाम भी दिया जा रहा था, पर जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने साइम अयूब को प्लान कर आउट किया, अब लगता है कि साइम अयूब को अपने बैटिंग में बहुत सारे चेंजेस करने होंगे, नहीं तो वो इंटरनेशनल मैचेस में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वहीं पर रिजवान भी सस्ते पे आउट हो गए और बाबर आजम ने तीसरे T20 मैच में भी 58 रन की पारी खेली और पाकिस्तान का स्कोर 179 पर लेकर जाने में मदद की। आजम खान और इफ्तिकार अहमद भी नहीं चले और यही कारण था कि पाकिस्तान बुरी तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ हार गया। पर जिस तरीके से फिन एलन ने पाकिस्तान के प्रीमियर बॉलर की पिटाई की, ये देखकर अब पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि क्या यही इनके प्रीमियर फास्ट बॉलर है या इनको रिप्लेस किया जाए। पाकिस्तान को तीनों डिपार्टमेंट में अच्छी तरह से काम करना होगा चौथा T20 मैच के पहले, नहीं तो वो ऐसे ही मैचेस हारते रहेंगे और इस सीरीज को 5-0 से गवा बैठेंगे। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे, धन्यवाद। लगातार अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान लास्ट मैच 4 नवंबर 2023 को जीती थी, उसके बाद जितने इंटरनेशनल मैच खेले हैं ये सारे के सारे हारे हैं। यार बंदा कहे कि थोड़ी सी तो लिहाज कर लो, थोड़ी सी तो शर्म कर लो, कि कर तो कर क्या रहे हो। बॉलिंग गंदी, फील्डिंग गंदी, बैटिंग उससे भी ज्यादा गंदी। पाकिस्तान की टीम सिर्फ और सिर्फ 170 और 180 के करीब जो T20 के अंदर रन होते हैं ये चेस कर सकती है। पाकिस्तान की टीम 190 प्लस ही चेस कर सकती। पहले मैं कहता था 200 से भी चेस कर सकती, 200 से पहले वाला चेस कर लेगी। पिछले मैच में तो इनसे 195 भी नहीं चेस हुआ और आज दोबारा से इनको 224 पड़ गया। 225 चेस करना और पाकिस्तान की अप्रोच देखें, पहले T20 जो दो मैचेस थे उसके अंदर तो फिर इन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली थी, आज के मैच के अंदर तो कोई अटैकिंग क्रिकेट थी ही नहीं। साइम अयूब जो लड़का पहले मैच के अंदर 226 चेस करने जब गया तो उसने आते साथ अटैक किया, तेज खेला। आज वही साइम अयूब
224 चेस करने जा रहा है तो वो रुक रुक के खेल रहा है, वो टाइम लेके खेल रहा है, उसके दिमाग के अंदर ये चीज किसने डाली? ऐसा लग रहा है जैसे जबरदस्ती भेजा हुआ है लड़कों को, इन लड़कों को कहे जाओ जाके खेलो, जाओ जाके बॉलिंग करो, जाओ जाके बैटिंग करो। द अर्ज द हंगर दैट इज नॉट विजिबल, इतनी मतलब ऐसा ऐसा है कि जी अटेंडेंस लगवाने नहीं आते आप यूनिवर्सिटी जाते इसी वजह से हैं कि यार अटेंडेंस लगा दो बस उसके बाद मैं क्लास में किसी कोने में बैठ के जो है ना वो सो जाओ। ये लिटरली वो वाला हाल हुआ है मेरा ख्याल से, जो फाइन हफीज ने रखा था ना कि प्रैक्टिस करते हुए कोई सोता हुआ ना देखे, वो फाइन अब वो चेंज कर दे कि मैच खेलते हुए कोई सोता हुआ ना देखे। मतलब जिस तरह की इस वक्त परफॉर्मेंस हो रही है, जिस तरह डेड परफॉर्मेंस हो रही है, दिस लाइक नथिंग, दिस नॉट अ सिंगल स्पार्क, कोई एक बीच में ऐसा मोमेंट नहीं आया जिसपे आपने कहा गुड पाकिस्तान इज इन द गेम नाउ। व्हेन वाज वन पार्ट इन ऑल दीज थ्री मैचेस जहां पे एक पॉइंट पे आपको ये लगा हो कि पाकिस्तान इज इन द गेम, आपको लगा था? मुझे तो किसी फेस में ही लगा कि पाकिस्तान वाज एवर इन द गेम। आप साई मयूब से शुरू कर लीजिए, साई मयूब के ऊपर जो आपने उम्मीदों का मरकज इतना लगाया है कि वो आएंगे और वो एकदम से क्रिस गेल बन जाएंगे और एबी डी विलियर बन जाएंगे। हम कुछ भी परफॉर्म करें, हमने 10 मैच हार के एक जीतना है और हम बल्ले 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 सुपरस्टार और ये और फलाना। और हारिस रऊफ की दो विकेटें किसकी किसकी हैं आज? आप ये आपने ये देखा है? ये मुझे हारिस रऊफ की विकेट का पता ही नहीं करना, वो लोगों को बताना है तो बता दें, मुझे ना बताएं। मैं हारिस रऊफ की विकेट जान के क्या करूं? मैं हारिस रऊफ को नहीं जानता, चार ओवरों में 60 रऊफ का मुझे पता नहीं। नहीं नहीं सही कह रहे हैं आप, मैं तो लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि हारिस रऊफ बहुत बड़ा तोप, बहुत बड़ा पता नहीं क्या दुनिया का प्लेयर उसको हमने बनाया हुआ है। हर बार हम देखते हैं कि हारिस रऊफ इमामुल हक। इधर टेप बॉल क्रिकेट होती है काफ़ी ज़्यादा, इन्हें चाहिए वो टूर्नामेंट्स खेला करें, PSL में कोई टीम इन्हें ले लेती है वो खेल लिया करें, या आप इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, नहीं है। और ये जो आपने साजिश मतलब कर करके तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, देखे मैं कोई बाबर आजम का वकील नहीं हूँ, लेकिन ये जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी दी गई थी ना T20 की, आप पहले दिन से ही मायूस थे। कप्तानी किस तरह दिखी थी आपको नहीं पता? आपको नहीं पता कौन ही, मतलब उसकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या क्रिकेट में अभी तक एक्सपोज़ भाई वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर ताल्लुकात है। हमने साई मयूब को एज एन ओपनर इसलिए लेकर आए कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा, आप उसके माइंड के अंदर भर रहे हो कि तुम पहले अपने आप को सेट करो। भाई ये वो वाला जमाना नहीं है। फिन एलन को देखो, 137 16 छक्के, कौन सा उसने रेस्ट कर लिया, पहली बॉल से स्ट्राइक करनी है। अगर आपको सेट ही होना तो बाबर इससे बेहतर ओपनर नहीं। साई मयूब का काम है पहली बॉल से अटैक करना, साई मयूब का ये काम नहीं है कि वो आए रुक के एक दो, जिसको कहते हैं ना टाइम ले पूरा 2-3 ओवर सेट हो, ये वाला काम नहीं है। आप 200 प्लस रन चेस कर रहे हो, सेम फॉर रिजवान। रिजवान क्या कर रहा है? रिजवान ने भी ये खीर कर दिया, 224 आप चेस कर रहे हो, रिजवान का स्ट्राइक रेट आप देखें। रिजवान को होश करनी चाहिए, मोस्ट सीनियर खिलाड़ी है, थोड़ा तो स्टार्ट ले। मतलब कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं और पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, पाकिस्तान सीरीज हार गई है, पाकिस्तान पता नहीं कितने लगातार मैचेस हारे जा रहे हैं, सामने वाली टीम आपको सीरियस नहीं ले रही। फिन एलन ने सीरीज के अंदर पाकिस्तान को मार मार बुरा कर दिया है, 34-74 और अब 137, वो छोड़ ही नहीं रहा है आपको। और आप लोग क्या कर रहे हैं हर मैच के अंदर? बाबर ने लगातार तीसरा 50 मारा, तीनों 50 उसके 150 प्लस के स्ट्राइक रेट वाले हैं, उसके बाबर के लिहाज से तो उसके 50 सही है, लेकिन बात यह आती है कि मैच फिनिश नहीं हो रहा। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि बाबर का काम है कल्ले का मैच फिनिश करना, क्योंकि मैं जानता हूं कि बाबर आजम वो वाला प्लेयर नहीं है, बाबर एक एंड संभालने वाला प्लेयर है।